संस्कृति मंत्रालय ने ऐलान किया है कि इस साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिया जाएगा। मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जूरी ने गोरखपुर को इस पुरस्कार से पुरस्कृत करने का फैसला लिया है। जानकारी हो कि 1995 में राष्ट्रपति महात्मा गांधी के आदर्शों को श्रद्धांजलि के रूप में पुरस्कार की घोषणा की गई थी। वहीं अब जब गीता प्रेस के 100 साल पूरे हो चुके हैं तो इस खास मौके पर ये पुरस्कार देने का फैसला लिया गया है। वहीं गीता प्रेस के 100 साल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि भारत के सनातन धर्म के धार्मिक साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र गोरखपुर स्थित गीता प्रेस को साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त होने पर हृदय से बधाई। स्थापना के 100 साल पूर्ण होने पर मिला ये पुरस्कार गीता प्रेस के धार्मिक साहित्य को एक नई उड़ान देगा। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार। गांधी शांति पुरस्कार क्या है, इसके क्या मापदंड है? गांधी शांति पुरस्कार का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया था और ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा हर साल सम्मान के तौर पर दिया जाने वाला पुरस्कार है। इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज 1995 में गांधी जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के स्वरूप में इसे शुरू किया गया था। ये पुरस्कार सभी समूहों, संगठनों, संस्थानों और लोगों को अहिंसा और गांधीवादी तरीकों के जरिए क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन और विकास की दिशा में समाज में उनके द्वारा किए गए योगदान और कार्यों के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए की नगदी भी शामिल है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार से लिंग, जाति और राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना सभी योग्य उम्मीदवार को सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला? अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता जूलियस नैयर थे, जिन्होंने साल 1995 में अवार्ड जीता था। जूलियस नैयर तंजानिया के राजनेता थे, जिन्होंने 1960 से 1986 तक तंजानिया और तंगानिया के नेता के रूप में काम किया था। हालांकि बांग्लादेश से शेख मुजिबुर रहमान ने 2020 में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार जीता था। उन्हें अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में उनके योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया।